देखिए, 15 साल से सरकार किसकी है? हम लोग 15 साल सरकार में रहे, जनता हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, 15 साल हम बैठे। लेकिन अभी सवाल होंगे जो अभी सत्ता में है। पहली बात, मुख्यमंत्री जी का चुनावी प्रचार हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा सुना, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? रोजगार को लेकर के, कारखाने को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने एक बात कही कि हमने पूरा प्रयास किया लेकिन यहाँ कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग, बड़े उद्योग नहीं लग सकते, रोजगार नहीं दिए जा सकते। स्पष्ट है, इस बात को तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, भुखमरी पे बात नहीं करना चाहते, पलायन पे बात नहीं करना चाहते, गरीबी पे बात नहीं करना चाहते। और ये स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं, अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। मुख्यमंत्री जी हवाला देते हैं कि बिहार जो है समुद्र किनारे नहीं है, मतलब लैंडलॉक स्टेट है। इससे पहले भी कितनी मीलें लग चुकी हैं बिहार में जो कि इनके शासन में बंद हो गई है। कारखाने, लालू जी जब रेल मंत्री थे यूपीए के समय में, 3 कारखाने के अलावा चौथा कारखाना आप बता दीजिए, मढ़ौरा का कारखाना, परसा का और मध्यपुरा का, इसके अलावा चौथा कारखाना कहाँ है भैया? लगे कि नहीं लगे? यानी मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अब उनसे होने वाला नहीं है, उन्होंने हाथ पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। और जो हम बात कर रहे हैं, आप बताइए कि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं कि नहीं पड़ी है? बिहार आगे तरक्की कैसे करेगा? पहले तो रिक्त पदों को भरना पड़ेगा। और हमको अगर अव्वल टॉप स्टेट्स में आना है इस देश के, तो आपको तो नेशनल एवरेज जो है उस पर कंपीट करना पड़ेगा। तो उन मानकों को देखते हुए हम लोग जो है पूरी तरीके से फिजिबल हेड हुई। 24,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी का जल हरियाली योजना में लगता है, कहां खर्च हो रहा है किसी को नहीं पता। सरकार का ठीक है, ग्रेजुअली जो है हमेशा बजट बढ़ता रहा है, चाहे किसी भी स्टेट का देख लीजिए, किसी भी केंद्र का देख लीजिए, लेकिन कोई भी बजट का वो मिनिस्ट्री जो है कितना पैसा खर्च कर पाती है? सरेंडर कर देती है सारा पैसा। हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि आई एम नॉट एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस नहीं थे तो आपने आपने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो लीडर ऑपोजिशन बने। लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद या डिप्टी सीएम रहते हुए भी अगर हम काम गिनवा दें, जो सीआरएफ फंड होता है 200 करोड़ रुपए का, जो पथ निर्माण विभाग हमारे पास था, उसको मैंने 1,000 करोड़ रुपए कराया। अपने मंत्रालय का बजट, किसी और मंत्रालय का बजट का पूरा पैसा खर्च हुआ ना हुआ, लेकिन हमने एक्स्ट्रा पैसा लेकर के पूरा बजट का पैसा खर्च किया। 53 आरोपी 2010 से फंसे हुए थे, वो हमने क्लियर कराया। केंद्र में किसकी सरकार थी? एनडीए की, फिर भी हमने कराया। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन काम के मामले में जहां आएगा, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है। भ्रष्टाचार का आरोप लगता है हम पे, तो हत्या का भी मुकदमा इन लोगों ने FIR जो है किया, क्या हुआ आप लोग भी देखते हैं। तो दिन भर तो इन लोगों को गाली देना, लालू जी को कोसना, सोनिया जी को कोसना, उल्टा फुल्टा मेन एजेंडा की बात को ना करना। भ्रष्टाचार की बात बता दें, भ्रष्टाचार रोकने के लिए वर्किंग जितने डिपार्टमेंट थे हमारे अंदर, नोडल डिपार्टमेंट पथ निर्माण था, चाहे इरिगेशन हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, भवन बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, उसका नोडल डिपार्टमेंट कौन था? पथ निर्माण। कई पत्रकार हैं जो कवर करते हैं, जानते होंगे ये। मंत्री के पास फाइल आता था EOT का, वेरिएशंस का, एस्टिमेट का। अब मंत्री थोड़ी ना तय करेगा कि कौन से बिल्डिंग में कितना छड़ लग रहा है, कितना सीमेंट लगेगा, किसको, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना टाइम एक्सटेंशन देना है।
हमने कैबिनेट में प्रपोजल लेकर के गए और एक कमेटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में। ये किस लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फिर भी आप देखिएगा बिहार में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर अगर बन रहा है छपड़ा में, तो वो किसकी बात? हमारा विजन तो उस समय भी साफ था जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। एयरपोर्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, अब उस पर कोई बात नहीं करता। आप बड़े मेट्रो सिटीज में चले जाएं, जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होता है, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हर जगह। तो आप लोगों ने कई हजार किलोमीटर सड़के जो एसएच की थी उसको कन्वर्ट एनएच में भी करवाया। तो हमें जो जिम्मेदारी मिली हमने कोशिश की उसको ईमानदारी से निभाने की। कम उम्र भले ही है, हो सकता है नीतीश जी का जितना उम्र है राजनीतिक जीवन रहा उसके आधे उम्र के हम हैं, लेकिन इतने कम समय में 2015 से अब तक अनुभव हो चुका है। 31 साल का उम्र है, 26-27 साल में हम पे मुकदमा हो गया, देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी। मैं पहला व्यक्ति हूं सदन में कहने वाला बिहार विधानसभा में कि मेरे ऊपर चार्जशीट करो, लेट हो रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जब हत्या का आरोप लगता है मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, कि भाई सीबीआई जांच दो, सीएम को चिट्ठी लिखता है। तो ये मेन एजेंडे से ये भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी कहा था कितना भी कोई भी प्रयास करेगा नीतीश जी को बीजेपी के लोगों को खींच के एजेंडे पे ही लाएंगे। बताएं नीतीश कुमार जी कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया, बताएं नीतीश कुमार जी कितने कारखाने उन्होंने लगाए। अब जवाब क्या मिल रहा है? कोशिश किया। जो व्यक्ति 15 साल में गरीबी, भुखमरी, कारखाने, रोजगार नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दिया, भुखमरी नहीं हटा सकता, पलायन नहीं रोक सकता, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, वो अगला 5 साल में क्या करे? तो इसलिए अब हमारे पास पहले हम लोग तो विजन के साथ आ रहे, यूनाइटेडली हम लोग सब लोग, आज नवरात्र का दिन भी है, कलश स्थापना है, संकल्प हम लोगों ने लिया है। लेकिन बात को समझिए कि उनका क्या विजन है। अब उनको याद आ रहा है कि हर खेत जल सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे। तो ये बिहार की जनता राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक है, सब कुछ समझ रहा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने मजदूर आए उनको रोजगार दो, क्या हुआ? कोई सवाल नीतीश जी से पूछा? नीतीश जी एयरपोर्ट जाते हैं आंखों में चश्मा पर्दा लगा लिया है, उनको मजदूर नहीं नजर आ रहे हैं। जो 145 दिन तक गरीब मजदूरों को देखने तक नहीं गया, बाढ़ पीड़ितों से मिलने तक नहीं गया, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी और से सवाल पूछने का। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक बिहार के लोग छाले पड़ गए, दो दो महीने लग गए। सरकार ने मुंह फेर लिया और आने के बाद हम लोगों ने जब शोर किया, अनुमति मिलती है तो चिट्ठी निकाल देती है बिहार सरकार की, आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा, यानी आप अपमानित कर दो। तो इस पे ज्यादा कुछ आपको टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। बहुत धन्यवाद। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।